सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन को सब्सक्राइब करिए एंड अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथ्स का एक और पार्ट। यहाँ पर लिमिट्स और कि काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं लिमिट्स को लेकर, और उसके डोमेन्स, रेंज तो और पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डोमेन के ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ है व्यापम के एग्जाम में, और एक आध नंबर का क्वेश्चंस आता है और सिंपल ही आता है, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखकर ही हम समझेंगे किस तरह से आएगा क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है। तो क्या दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, अंडर रूट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको हम क्या है वाई ले लेते हैं। ठीक है, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। ठीक है, अब एक चीज ये है कि वाई जब भी रियल होगा, जब ये वाली जो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू, ये क्या है ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, इसको हम क्या करेंगे ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तभी वाई क्या होगा रियल होगा, बिकॉज क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जो हम इसका निकालेंगे तो उसका क्या होगा वो नॉन नेगेटिव होगी। आपको पता है स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो वो नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको रियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे ग्रेटर देन जीरो करेंगे। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे दो फॉर्म में, कैसे होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर, ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको x माइनस थ्री। अब इसकी जो वैल्यू आएगी एक x की ग्रेटर देन होगी फोर और एक की होगी ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, तो अब यही जो वैल्यू आई हमारी फोर और थ्री, यही हमारा क्या होगा डोमेन होगा। ठीक है, डोमेन हमारा यही होगा, ये यह होगा थ्री से लेके फोर तक। ठीक है, थ्री से लेके फोर तक डोमेन होगा, और रेंज जो होगी हमारी, रेंज भी क्या होगी यही वाली वैल्यू होगी, ये होगी थ्री से लेके फोर तक। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आए थे व्यापम के एग्जाम में, ये वैल्यू दी थी और उसका हमें इसी तरह से निकालना था। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। नो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स, ठीक है फोर एक्स प्लस वन। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल, इसको वाई के इक्वल टू में ले लेंगे कॉस इनवर्स फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या करेंगे cos आ जाएगा इधर इनवर्स में, cos y इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जब भी हमारे पास क्या है साइन cos tan, इसका जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंक्शन होता है उसके लिए हमारे क्या डोमेन और रेंज गिवन रहता है। ठीक है, तो वो आपको मैं एक टेबल बता देता हूँ, तो उस टेबल से आप देख के इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो साइन इनवर्स x, इसका डोमेन कितना होता है हमारा, होता है माइनस वन से लेके वन तक। ठीक है, अब ये बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन जो होता है हमारा होता है माइनस वन से वन तक। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन लिखते हैं हम क्या लिखते हैं सिर्फ आर, और उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का क्या लिखेंगे ये भी आर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इंपॉर्टेंट डोमेन है ये आप याद कर लीजिए, इसी के बेस से हम आगे करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड कॉस इनवर्स का क्या हो गया माइनस वन से लेके वन तक, तो माइनस वन से लेके कहाँ तक हो गया फोर प्लस एक्स की वैल्यू डाल दी, और ये यहां तक हो जाएगा हमारा लेके वन तक हो गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू कॉस की थी। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे फोर एक्स प्लस वन। ठीक, तो अब ये प्लस वन है ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, माइनस वन इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा फोर एक्स, और यहां से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे फोर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस टू बाय फोर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स जीरो, जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो रहेगा, इसकी वैल्यू अब कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस वन बाई टू, और यही हमारा क्या आ जाएगा डोमेन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डोमेन आ जाएगा कहाँ से माइनस वन बाई टू से लेके एक्स जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से सॉल्व करना है यार क्वेश्चंस को। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। ये क्वेश्चन क्या व्यापम के एग्जाम में आया हुआ था, तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस फोर क्या है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो एक्स माइनस फोर की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू फोर हो जाएगी। ठीक,
तो उसके बाद फिर हमारा जो फंक्शन जो भी होगा यहाँ का, ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 हो गई, तो हमारे फंक्शन का जो भी सेट होगा रियल नंबर पे वो क्या होगा, सभी नंबर पर होगा एक्सेप्ट 4 को लेके, ठीक है। तो 4 को क्या हमारा रियल नंबर पर वो सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ गई एक्स की 4 आ चुकी है, ठीक। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी हमने एक केस लिया है कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब, ठीक है, हम लेस देन 0 होगा तो वो भी देखेंगे, ठीक। अब एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा जो मोड ऑफ एक्स माइनस 4 जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल टू हो जा रहा है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 4 आ रही है, उधर से भी 4 आ रही है, तो एक्स माइनस 4 मोड ऑफ इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 मोड ऑफ एक्स माइनस 4, इसमें दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x-4, x-4, तो ये दोनों वैल्यू काटने के बाद क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन दिया था हमने फर्स्ट केस, अगर ये लेस देन होता, ठीक है, x-4 लेस देन 0 होता, ठीक है, लेस देन 0 होता तो x की वैल्यू क्या आ जाती, लेस देन 4, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या लेस हो रहा है यहाँ पर, तो मोड ऑफ x-4 जो हो रहा है हमारा, ठीक है, मोड ऑफ x-4 क्या हो जाएगा, माइनस x-4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन था तब पॉजिटिव था, अब लेस देन हो गया यहाँ पर तो माइनस आ गया, ठीक। तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा हमारा क्या, मोड ऑफ x-4, ठीक है, x-4, तो यहाँ से हम उसकी वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये x-4, तो ये काटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वो रेंज आएगी हमारे पास -1 से लेकर, ठीक है, कम वाली वैल्यू को पहले रखेंगे, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने उसी तरह से करा है, हमने पहले एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो हमारे क्वेश्चन करते थे 4, तो हमारी रियल नहीं हो सकती, तो हमने इसको कंपेयर करा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों से कंपेयर करा, उसके बाद हमारा कंपेयर करने के बाद पहले में क्या आया, 1 आई, ठीक है, और यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 0 था तो उसके बाद प्लस में रही वैल्यू, एक्स माइनस 4 दोनों बराबर हो गया, और यहाँ पे लेस देन था तो माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ पे लेस देन था तो माइनस आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारी जो निकल के आ जाएगा -1 और -1, ओके फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स लिमिट्स के क्वेश्चन देख लेते, कुछ लिमिट दिया है एक्स की 5, एक्स की वैल्यू दी, लिमिट हमें क्या 5 दी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, इसको हम कैसे ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x-5x, ठीक है, -30, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी x-5 × x-6, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक्स ले लेंगे तो x+6 हो जाएगा, और यहाँ से -5 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x-5 हो जाएगा, ओके। नाउ उसके बाद फ्रेंड हम इसकी वैल्यू क्वेश्चन में डाल देंगे, x-5 x+6, ठीक, और ये x की वैल्यू x-5 थी, ये दोनों कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचा, x+6 बचा, ठीक। अब इसी के हम इसके आगे लिमिट की इसकी सॉल्व कर लेंगे, लिमिट x की 5 तक थी हमारी, x+6 हो गया, ठीक। अब यहाँ x की जगह हम क्या डाल देंगे, 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5+6 11, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं लिमिट्स को लेके और डोमेन्स को लेके। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x की 0 दी है x/√1+x-1, ठीक है। तो अब ये वाला जो फंक्शन दिया है हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले लेंगे x/1+, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यही फंक्शन का 1+x+1 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x/1+x+1, ठीक है, ये पूरा इसमें ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर में हो गया, तब ये क्या बचा, 1, ठीक है, 1+x-1, ठीक है। तो ये 1-1 कट जाएगा और x की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर, x/1+x-1, ठीक है। तो x कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, √1+x-1। अब वहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारी लिमिट थी क्या 0 वो डाल देंगे, तो 0 डालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 आएगा सिर्फ, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ पर प्लस था तो जीरो डाल देंगे एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा टू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू डालनी है हमें लिमिट की लास्ट में और उसको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स लिमिट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स की दी है टू, एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है इसके बाद ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए क्या है एक्स। ठीक है, तो एक्स माइनस और यहाँ पर क्या है ये टू क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम टू क्यूब कर लेंगे। ठीक, तो एक्स माइनस टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या था हमारे पास टू, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस टू कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, एक्स की लिमिट क्या थी हमारी टू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, इतना हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने यहाँ तक जितना हमारे पास फैक्टराइज हुआ हमने कर लिया। अब एक्स की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर टू डाल देंगे। ठीक है, तो टू डाल दी हमने, टू टू की टू पावर कितनी हो गई फोर, प्लस ये हो गई फोर, प्लस ये हो गई फोर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगी टू प्लस टू फोर, तो फोर इट द ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन फोर, और उसको काटने के बाद कितना बचेगा हमारे पास थ्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिमिट के क्वेश्चन इसी तरह के सिंपल्स क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको खुद ही कर सकते हैं, एक दो कुछ और क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए और डोमेन्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये सब यूनिट से सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही आएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस वाले थे वो मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं, इसका भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ठीक है, और उसको करना क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और इधर क्या वैल्यू दी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। ठीक है, तो पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, तो ये प्लस प्लस वाला कट जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या बच गया वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस टू बच गया और इंटू वन एक्स प्लस थ्री। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो सिंपल मेथड में बता रहा हूँ आपको, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो उसका सिंपल क्या करिए, ए और बी की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर, और ए की वैल्यू उसके नीचे रख दीजिए एक्स प्लस टू। ठीक है, आपको ज़्यादा उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, और बी की वैल्यू क्या करिए इसके नीचे रख दीजिए एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इसी तरह के सिंपल्स क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, अब दोनों की वैल्यू आपने रख दी, अब दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, नीचे क्या हो गया एक्स प्लस टू और ये हो गया एक्स माइनस थ्री, तो ये क्या कट जाएगा, यहाँ से यहाँ पर भी आएगा हमारा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, तो ये दोनों क्या होगा हमारा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर ली है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हमें क्या पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री है इसको जीरो से जीरो कर देंगे, तो उससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी थ्री। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इसको क्या करा, सीधे जीरो से कंपेयर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद फिर हम जीरो से कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो हमारे पास बी की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू थ्री रखेंगे, तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी वन इक्वल्स टू बी थ्री प्लस टू फाइव। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई वन अपॉन फाइव। ठीक, अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स की जो था हमें एक्स प्लस टू, इसको क्या करेंगे जीरो से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू, अब वही वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो वन इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की वैल्यू रख दी हमने माइनस टू, और ये हो गया माइनस थ्री। ठीक है, तो वन इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस फाइव ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
सो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन अपॉन फाइव। ओके फ्रेंड्स, अब यही वैल्यू जो आई है ए और बी की, ठीक है, ये दोनों वैल्यू के हम क्या पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन में रख देंगे। हमारे पास क्या थी, वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है, और प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री थी। यहाँ पर क्या था, ए और बी था, ठीक। तो ए की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर क्या, वन अपॉन फाइव, ठीक है। तो वन अपॉन फाइव एक्स प्लस टू, प्लस बी की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस वन अपॉन फाइव, सॉरी ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन फाइव रखेंगे, ठीक है, और बी की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फाइव, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ गई माइनस वन अपॉन फाइव एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं यहाँ पर। इसका एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये वाला क्वेश्चन टू एक्स प्लस अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो उसको सिंपली क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ए अपॉन एक्स प्लस वन, जैसे हमने उस क्वेश्चन में करा था, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। हमने इसका डिनोमिनेटर का येलो फंक्शन ले लिया, ये वाला ले लिया, और उसके नीचे ऊपर ए प्लस बी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने एलसीएम ले लिया, तो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कंपेयर कर लेंगे, या तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, या तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स एक्स से हम यहाँ सीधे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टू एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, ठीक है। तो टू एक्स प्लस वन, अब यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर, ये तो वही हो जाएगा। तो ए प्लस बी में से लेंगे यहाँ पर कॉमन, ठीक है। तो ए प्लस बी में से ले लेंगे, तो अब हमारे पास क्या, एक्स की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम यहाँ एक्स एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, माइनस टू ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ये हमारा कंपेयर हो गया, तो हमारा क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल्स टू टू, और सेकेंड क्या आ जाएगी, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधे डायरेक्ट जाके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे कंपेयर था, उस क्वेश्चन में कंपेयर नहीं था, ठीक है। अब a प्लस बी की वैल्यू हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू चाहे हम यहाँ 2 माइनस बी करके डाल दें, ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस बी, तो माइनस टू, टू माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। a की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर डाल दी, तो ये क्या हो गई, माइनस फोर प्लस बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2b हो गया, ये 2b यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। 2b प्लस बी इक्वल्स टू 3b हो गया, ठीक है, और माइनस फोर उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपॉन 3, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने क्या करा, a की वैल्यू थी 2 माइनस बी, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया 2 माइनस बी, ठीक है, ये क्या b था, ठीक है, 2 माइनस बी, 2 माइनस करा, 2 इंटू 2 माइनस 4, और यहाँ पर हमने b से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ गया, 2b आ गया, तो माइनस माइनस प्लस साइन था, ठीक है। और उसके बाद फिर सॉल्व करने के, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 5/3। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, b की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 5/3 इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3, ठीक है। यहाँ से सीधे आप एलसीएम ले लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, 2 - 5/3 कर लीजिए, ठीक है। तो 6 - 5 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ यहाँ a की जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन था, उसमें हम a और b की वैल्यू डाल देंगे, तो a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 एक्स प्लस वन प्लस 5/3 इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यही क्वेश्चन को हमें वाले मेथड से करना है जिसमें हमने x माइनस कंपेयर करी थी, वैल्यू जीरो कर दी थी, तो वहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अगर ये जो हमने करा था, यहाँ पर जो आंसर निकाला है, अगर इसको हमें
एक्स माइनस क्यू की वैल्यू जीरो रख के करेंगे तो वहां से भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में करा था, फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, एक्स माइनस टू की वैल्यू हमने जीरो रख दी तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। तो अब टू की वैल्यू हम हर एक्स की जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर टू रख देंगे तो क्या हो गया, जीरो ही हो गया, प्लस वन, और यहाँ टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल फाइव अपॉन थ्री आ जाएगी, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। अब सब जगह माइनस वन रख देंगे तो यहाँ रख देंगे क्या, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, ठीक है, यहाँ माइनस वन रख दिया तो माइनस टू प्लस वन। अब यहाँ पर हम एक ही जगह रखेंगे वैल्यू, ठीक है, माइनस वन माइनस टू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस थ्री, ठीक। और यहाँ माइनस वन प्लस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो गया माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, और ये नीचे आके माइनस थ्री, तो ए की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री, ठीक है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम क्या डालेंगे, फिर से यहाँ पर डाल देंगे तो उससे हमारा क्या, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको जो सा मेथड लगे यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, और पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर क्वेश्चंस आएगा, वैसे तो मेरे सबसे क्वेश्चंस नहीं आएगा, पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कई लोग कमेंट करके बोल रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन का करवाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस करवा दिए, और डोमेन का एक क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उस क्वेश्चंस को देख लीजिए, डोमेन और लिमिट के, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके एंड थैंक यू फ्रेंड्स।